पन्ना जिले के पवई जनपद के ग्राम सिमरा खुर्द निवासी गणेश साहू ने भारतीय स्टेट बैंक के फील्ड ऑफिसर उदय प्रताप शाक्य पर 50,000 रुपए की हेराफेरी का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि मेरी बिना सहमति के वाउचर में फर्जी हस्ताक्षर करके विद्या ट्रेडर्स के खाते में पैसे डालकर निकाल लिए हैं। फर्जी हस्ताक्षर कर जांच को समाप्त करवा दिया है। मैं पिछले 2 साल से न्याय के लिए दर दर भटक रहा हूँ, पर मेरी कोई सुनवाई नहीं होती और फील्ड ऑफिसर धमकी देता है। उदय प्रताप शाक्य की मैंने CM हेल्पलाइन, SP पन्ना, SDM पवई और RBI शाखा में भी शिकायत की है। शाहनगर से चरणजीत बंजारे की रिपोर्ट। योजना से लोन लिया था, हाँ। वहाँ की फील्ड अधिकारी उदय प्रताप शाक्य द्वारा मेरे ऋण की द्वितीय किस्त, हाँ। मेरे बगैर सहमति के मेरे बगैर आवे पे मेरे बगैर पूछे विद्या ट्रेडर्स के खाते में किराना स्टोर वाले के खाते में साठ गांठ करके डाल दिए, जबकि मैंने फोटो कापी रिपेयरिंग हेतु लोन लिया था, उन्होंने किराना वाले की दुकान में डाल दिया है 50,000 रुपये। आज 2 वर्ष हो गए हैं, मैंने हर जगह उसकी शिकायत की लेकिन कहीं भी कोई निराकरण सही नहीं आया, और ना सब जगह लंबित है, इसलिए मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। मतलब क्या आपके नाम पे है वो 50,000? हाँ, ऋण मेरे नाम पे बांध दिया गया है। क्या चाहते हैं? न्याय चाहता हूँ कि सामने वाले के खिलाफ निष्पक्ष जांच की जाए और कार्रवाई की जाए। कहाँ कहाँ आवेदन दिया? मैंने अनुभागीय अधिकारी पवई, थाना प्रभारी पवई, अनुभागी पुलिस अनुभाग पवई, कलेक्टर महोदय पन्ना, SP कार्यालय पन्ना, कमिश्नर महोदय सागर, मुख्यमंत्री महोदय भोपाल, प्रधानमंत्री महोदय मध्य प्रदेश, भारत सरकार नई दिल्ली, और बैंकिंग लोकपाल, भारतीय स्टेट बैंक की शाखा प्रबंधक पवई को एवं भारतीय स्टेट बैंक की शाखा RBU शाखा दमोह को दिया। CM हेल्पलाइन पे 2 बार शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, सब लंबित हैं, सब अंडर प्रोसेस बताई जा रही हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।